Hi everyone, welcome to Prep IS. I'm Rajni Jha, and in today's lecture, we are going to continue the current affairs of space technology. मैंने आपको बताया था कि ये science and technology का main जो current affairs वाला part है, we'll continue with that. एक या दो classes में वो खत्म हो जाएगा, then we'll move ahead to the next important topics. ये हमारा सबसे बड़ा topic था, इसके बाद छोटे-छोटे topics बच जाते हैं, जिसमें ज़्यादा time नहीं लगेगा. Before that, ये हमारा 3 month free crash course है prelims 2021 के लिए. Course start हुआ था 17th of March को and 20th June तक चलेगा. ये complete comprehensive coverage होगा इसके अंदर. आपको full length mock test मिल जाएंगे, doubt clearing sessions होंगे अगर आपके doubts हैं तो. CSAT इसमें included होगा. Faculty की details आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं और detailed schedule के लिए आप हमारे description box को check कर सकते हैं. चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. ओके, सो आज की फर्स्ट न्यूज है फॉस्फीन वीनस पे. फॉस्फीन को एज अ साइन ऑफ लाइफ माना जा रहा है. साइंटिस्ट ने फॉस्फीन डिस्कवर किया है, ये डिटेक्ट किया उन्होंने एक्चुअली प्रेजेंस उसका वीनस के एटमॉस्फेयर में. इस डिटेक्शन की वजह से देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वीनस पे भी लाइफ फॉर्म्स अवेलेबल हों. इंटरनेशनल साइंटिफिक टीम, जो इंटरनेशनल साइंटिफिक टीम है, उन्होंने पहली बार फॉस्फीन को स्पॉट किया था यूजिंग जेम्स क्लर्क मैक्सवेल टेलीस्कोप हवाई में. रिमेंबर द नेम ऑफ द टेलीस्कोप, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल टेलीस्कोप इन हवाई. और इसको कंफर्म किया यूजिंग अटकामा लार्ज मिलीमीटर या सब मिलीमीटर एरे. ये भी रेडियो टेलीस्कोप है चिली में. ठीक है, तो यहाँ पर दो टेलीस्कोप्स का यूज हुआ है. पहला हवाई में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल टेलीस्कोप, और इसको कंफर्म किया गया चिली के रेडियो टेलीस्कोप से, अटकामा लार्ज मिलीमीटर और सब मिलीमीटर एरे रेडियो टेलीस्कोप. इसके साथ इसको कंफर्म किया गया है. ये जो JCMT है, दैट इज हवाई वाला टेलीस्कोप, ये लार्जेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है पूरे वर्ल्ड में. जिसको स्पेसिफिकली क्यों डिजाइन किया गया है, इसको स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है जो सब मिलीमीटर वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम है. ठीक है, जो बहुत छोटा रेंज है वेवलेंथ के स्पेक्ट्रम का, उसको फाइंड आउट करने के लिए. ऑन द अदर हैंड, ये जो चिली वाला टेलीस्कोप है, रेडियो टेलीस्कोप, ये अभी तक का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है वर्ल्ड में. रिसर्चर्स ने एक्चुअली यहाँ पे लाइफ फॉर्म्स डिस्कवर नहीं किए. ठीक है, अगर आपसे कोई कहे लाइफ फॉर्म्स डिस्कवर हुए हैं क्या, नहीं, लाइफ फॉर्म्स उन्होंने डिस्कवर नहीं किए हैं. उन्होंने ये नोट किया कि अर्थ अर्थ पे बेसिकली जैसे फॉस्फीन, जितने भी बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन स्टार्व्ड एनवायरनमेंट में थ्राइव करते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पे ऑक्सीजन नहीं है ज्यादा, उसमें जो थ्राइव करते हैं वो फॉस्फीन प्रोड्यूस करते हैं. तो अगर वहां पे भी फॉस्फीन हमें मिल रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो बैक्टीरिया यहाँ पे ऑक्सीजन स्टार्व्ड एनवायरनमेंट में थ्राइव कर रहे हैं, वहां पे भी वो वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट हो. इस एनालॉजी से उन्होंने बोला है कि हो सकता है कि लाइफ फॉर्म्स वहां पे एक्चुअली में प्रेजेंट हो. देन देयर इज अ टर्म कॉल्ड बायोसिग्नेचर. बायोसिग्नेचर का क्या मतलब होता है? बायोसिग्नेचर का मतलब है कि इनडायरेक्ट साइन ऑफ लाइफ, कि आपको कहीं पर डायरेक्टली साइन ऑफ लाइफ नहीं मिला बट इनडायरेक्ट साइन ऑफ लाइफ मिला है. जैसे हम दूसरे प्लैनेट्स पे बात करते हैं या मून्स पे बात करते हैं, सोलर सिस्टम में या उसके बियॉन्ड बात करते हैं, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, प्रोब्स का इस्तेमाल करेंगे, टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करेंगे, ताकि बायोसिग्नेचर वो फाइंड आउट कर सके, यानी कि इनडायरेक्ट साइंस ऑफ लाइफ उन्हें मिल सके, एटलीस्ट अगर डायरेक्ट लाइफ फॉर्म नहीं मिल रही है तो भी. फॉस्फीन जब देखा गया था वहां पे, तो 20 पार्ट्स पर बिलियन एटमॉस्फेयर में, वीनस के एटमॉस्फेयर में 20 पार्ट्स पर बिलियन फॉस्फीन देखा गया है, जो बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन है. ठीक है, 20 पार्ट्स पर बिलियन, एक बिलियन में 20 पार्ट सिर्फ, तो बहुत ही ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन है. लेकिन वीनस की अगर हम बात करें, तो जनरली इसका जो एटमॉस्फेयर है वो ऐसा है कि वहां पे फॉस्फीन होना ही नहीं चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि वहां के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा प्रेजेंट है. तो ये माना जा रहा है कि क्योंकि ऑक्सीजन कंपाउंड ज्यादा है, तो वो फॉस्फीन के साथ रिएक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देते होंगे, शायद इस वजह से इतना कम कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है. फॉस्फीन जो बायोसिग्नेचर की तरह काम करता है, बायोसिग्नेचर की तरह कैसे, वो इनडायरेक्ट आपको दिखा रहा है कि लाइफ, साइंस ऑफ लाइफ प्रेजेंट है. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो जो बैक्टीरियाज ऑक्सीजन डेफिसिट एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो फॉस्फीन प्रोड्यूस करते हैं. तो ये दिखा रहा है कि वहां पे कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस तो हो रहा होगा, जिसकी वजह से फॉस्फीन वहां पर है. क्लियर? किसी नेचुरली अकरिंग केमिकल प्रोसेस की वजह से नहीं. 2011 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन वीनस एक्सप्रेस, उन्होंने देखा था कि ओजोन, साइंस ऑफ ओजोन, जो अपर एटमॉस्फेयर, वीनस के अपर एटमॉस्फेयर में उन्हें ओजोन के भी साइंस दिखे थे.
ठीक है, तो हमें दो चीजें मिल गई, पहला फॉस्फीन मिल गया जिससे ये पता चलता है कि शायद वहां पे लाइफ फॉर्म से, दूसरा हमें ओजोन के साइंस में मिले उसके अपर एटमॉस्फेयर में, अगेन ये बायोमार्कर है, ये शो करता है कि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। अब फॉस्फीन होता क्या है, फॉस्फीन का केमिकल फॉर्मूला होता है PH3, ठीक है, PH3, इसमें एक फॉस्फोरस एटम है और 3 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं जो जो अटैच्ड होते हैं। बहुत टॉक्सिक है ये नेचर में, जितने भी रॉकी प्लैनेट्स हैं। अब रॉकी प्लैनेट्स क्या है, मैंने शुरुआत में आपको बताया था, जो शुरू के 4 प्लैनेट्स होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये 4 प्लैनेट्स को हम इनर प्लैनेट्स, रॉकी प्लैनेट्स, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स ये कहते हैं। तो जो रॉकी प्लैनेट्स हैं जैसे कि वीनस और अर्थ है, वहां पर फॉस्फीन तभी बन सकता है जब वहां पे कोई ना कोई लाइफ प्रेजेंट हो, चाहे ह्यूमन लाइफ प्रेजेंट हो या माइक्रो प्रेजेंट हो। फॉस्फीन नेचुरली कुछ एनेरोबिक बैक्टीरियाज बनाते हैं। एनेरोबिक का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे बैक्टीरियाज जो लैक ऑफ ऑक्सीजन में थ्राइव करे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, तो एनेरोबिक बैक्टीरियाज फॉस्फीन नेचुरली बनाते हैं, ठीक है। इसी से कहा जा रहा है कि शायद वहां पे लाइफ फॉर्म प्रेजेंट हो सकती है। फॉस्फीन प्रोड्यूस करने के लिए अर्थ के बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो मिनरल्स हैं या बायोलॉजिकल मटेरियल है, वहां से फॉस्फेट उठाते हैं, उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं और फॉस्फीन बनता है। फॉस्फीन आप देखोगे नॉन बायोलॉजिकली भी प्रोड्यूस होता है, कहाँ पे, इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में। तो जब मैंने आपको बोला ह्यूमंस का होना जरूरी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ह्यूमंस फॉस्फीन बना रहे हैं, इसका मतलब है ह्यूमंस का जो इंडस्ट्रियल सेटिंग है वहां से फॉस्फीन प्रोड्यूस हो रहा है। तो या तो ह्यूमंस का प्रेजेंट होना जरूरी है ताकि वो इंडस्ट्रियल सेटिंग करे, वहां से फॉस्फीन प्रोड्यूस हो, या बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, एनेरोबिक बैक्टीरियाज होंगे जो फॉस्फीन प्रोड्यूस कर रहे होंगे। इसको केमिकल वेपन की तरह यूज किया गया था वर्ल्ड वॉर 1 में, जैसा कि मैंने आपको बताया ये बहुत टॉक्सिक है, तो इसको केमिकल वेपन की तरह यूज किया गया था वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर। मैं फॉस्फीन अभी भी कुछ एग्रीकल्चर फ्यूमिगेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, कुछ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है, थोड़े बहुत जो मेथ लैब्स है, ठीक है, वहां पर भी इसका बाय प्रोडक्ट फॉस्फीन निकल के आता है। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देयर इज एन एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट क्या है, साइंटिस्ट ने सस्पेक्ट किया कि जो ये वीनस का क्लाउड है, ठीक है, वीनस के हाई क्लाउड्स हैं, वहां पे बहुत माइल्ड टेम्परेचर होता है, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट बस, तो वहां पर हो सकता है कि हवा में कुछ माइक्रोब्स होते हों जो इस बहुत ज्यादा एसिडिटी को भी एंड्योर कर जाए, बहुत ज्यादा एसिडिटी है उसको भी एंड्योर कर जाए। तो वहां पर क्या होगा, ऐसे क्लाउड्स में करीब 90% सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अर्थ के माइक्रोब्स ऐसी एसिडिटी को सरवाइव नहीं कर सकते, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है शायद वीनस के हाई क्लाउड्स में कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो एक्सट्रीम एसिडिटी को सरवाइव कर जाते हैं। वीनस के बारे में हम जानते हैं वो अर्थ का क्लोजेस्ट प्लैनेट है, ठीक है, इसको अर्थ का ट्विन भी कहते हैं क्योंकि इनका मास और शेप साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है। देन अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो वीनस अर्थ से थोड़ा सा छोटा है, सेकेंड प्लैनेट है सन से, राइट, मरकरी, उसके बाद वीनस आता है, तो सेकेंड प्लैनेट है, इसको अर्थ का ट्विन कहते हैं, आई टोल्ड यू, बिकॉज ऑफ साइज, इसका मास ऑलमोस्ट सिमिलर है अर्थ का, इनफैक्ट रोटेशन में भी वीनस और अर्थ को ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम लगता है। वीनस को और दो नाम से जाना जाता है, एक है मॉर्निंग स्टार, 1 सेकेंड, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। क्यों, क्योंकि जब आप आकाश में देखोगे तो सुबह सबसे पहले अगर आपको छोटा सा एक पार्ट दिख रहा होगा ना स्टार जैसा चमकता हुआ, वो वीनस होता है सबसे पहले जो दिखेगा, ऐसे ही इवनिंग में सबसे पहले, सबसे आखिरी तक जो आपको दिखता है वो वीनस होता है, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। साइंस जो पहले ऑब्जर्वेशन हुए थे वीनस के, उनके हिसाब से एक पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि जैसे वीनस, वीनस का क्या है कि वीनस एक बहुत ही थिक और टॉक्सिक एटमॉस्फेयर में ट्रैप्ड है, ठीक है, उस थिक और टॉक्सिक एटमॉस्फेयर में हीट बहुत ज्यादा ट्रैप होके रह जाती, तो अगर वहां पे लाइफ फॉर्म्स होते भी है तो वो क्या हो जाएंगे, वो उसमें मर जाएंगे। तो ये अर्ली ऑब्जर्वेशन में देखा गया था, बट बाद में फॉस्फीन आ रहा है तो उसके लिए और ऑब्जर्वेशन किए जाएंगे। वीनस के टेम्परेचर की बात करें तो सरफेस टेम्परेचर इसका बहुत ज्यादा देखा जाता है, 880 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना ज्यादा कि जैसे लेड, आपको पता होगा लेड तक को मेल्ट कर सकता है। सोलर सिस्टम में सबसे हॉट प्लैनेट यानी कि हॉटेस्ट प्लैनेट यही है, हाई प्रेशर होता है यहाँ पे, बहुत ज्यादा डेंस है,
ठीक है, 65 माइल्स तक क्लाउड हेज ये सब रहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमें अर्थ में फील होता है उससे 90 टाइम्स ज्यादा है, और प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में, इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में प्राइमरीली कार्बन डाइऑक्साइड है और सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड्स है, ये दोनों अभी हमने देखे, कार्बन डाइऑक्साइड है और सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड्स है यहाँ पे, जो हमने एसिड टेस्ट की बात की। नेक्स्ट हमारा आता है एसैट, ठीक है, एसैट क्या है, एंटी सेटेलाइट मिसाइल। ओके, एक कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प लॉन्च किया गया था इंडिया के पहले एंटी सेटेलाइट मिसाइल पे, और इसे लॉन्च किसने किया था, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इसको लॉन्च किया था ऑन द ओकेजन ऑफ इंजीनियर्स डे। अब सवाल उठता है ये इंजीनियर्स डे आता कब है, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे आता है, और ये किसके किसके बर्थ एनिवर्सरी पे ये डे मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरय। ये एक सिविल इंजीनियर थे, स्टेट्समैन थे, इंजीनियरिंग की फील्ड में आप कह सकते हैं ये एक पाइनियर थे, ठीक है, शुरुआत इन्होंने की थी, इन्होंने ब्लॉक सिस्टम को, डैम्स के लिए जो ब्लॉक सिस्टम होता है उसको इन्वेंट किया था, ऑटोमेटेड जो डोर्स होते हैं, जो ओवरफ्लो के टाइम ऑटोमेटेड डोर्स ऐसे बंद हो जाते हैं, वो इन्होंने इन्वेंट किया था। इनको मैसूर स्टेट के चीफ इंजीनियर की तरह भी अपॉइंट किया गया था 1909 में, इनको दीवान ऑफ मैसूर का स्टेटस मिला था 1912 में, और फाइनली 1955 में इनको भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, इनकी बुक थी कौन सी बुक, रिकंस्ट्रक्शनिंग इंडिया एंड रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया एंड प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया एंड प्लान्ड इकोनॉमी इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये दो किताबें हैं जो इनकी बुक्स थी, जिनको 1920 और 1934 में पब्लिश किया गया था। अब स्टैम्प की बात करते हैं, माई स्टैम्प क्या है, ये एक ब्रांड नेम है इसमें होता क्या है, पर्सनलाइज शीट्स बनाई जाती है पोस्टेज स्टैम्प की, इंडिया पोस्ट की, पर्सनलाइज है ये, पहली इंपॉर्टेंट चीज। माई स्टैम्प को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में ड्यूरिंग वर्ल्ड फिलेटेलिक एग्जिबिशन, जो इंडीपेक्स 2011 था। कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प एक पर्सनलाइज शीट होता है पोस्टेज स्टैम्प का, जहां पर जो कॉरपोरेट है या ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, वो अपने हिसाब से कस्टमाइज करा के शीट प्रिंट कर सकती है इंडिया पोस्ट से, करवा सकती है इंडिया पोस्ट से। अब एसैट मिसाइल क्या है, एसैट मिसाइल क्या है, ये ऐसा मिसाइल है जो सैटेलाइट्स को, स्पेस के सैटेलाइट को जैम कर सकता है या डिस्ट्रॉय कर सकता है। दो टाइप के एसैट्स हो सकते हैं, एक होता है काइनेटिक, दूसरा होता है नॉन काइनेटिक। काइनेटिक एसैट की जब हम बात करते हैं तो ये कैसे हैं, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल होता है, काइनेटिक मतलब जिसमें बहुत सारा फोर्स है, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल की तरह जो फिजिकली एक ऑब्जेक्ट पे जाके स्ट्राइक करेगा ताकि उसको डिस्ट्रॉय कर सके। नॉन काइनेटिक एसैट कौन से हैं, ये नॉन फिजिकल मीन्स के थ्रू उनको डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर डिसेबल कर देते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी जैम, आपने सुना ना, नेटवर्क जैम कर सकते हैं, तो ऐसे फ्रीक्वेंसी जैमिंग हो सकती है, लेजर्स हैं, ब्लाइंडिंग लेजर्स हैं, साइबर अटैक्स हैं, तो जो डायरेक्टली फिजिकली अटैक करता है वो काइनेटिक एसैट्स हैं, और जो नॉन फिजिकल मीन्स से डिस्ट्रॉय या डिसेबल करने का काम करता है वो नॉन काइनेटिक एसैट्स हैं। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट आता है मिशन शक्ति। अब मिशन शक्ति क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने इंडिया का फर्स्ट एंटी सैटेलाइट एसैट मिसाइल, जिसकी हम बात कर रहे हैं, मिशन शक्ति, एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट मिशन शक्ति कंडक्ट किया था। इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा में है, 27 मार्च 2019 को, और ये मिसाइल एक थ्री स्टेज मिसाइल है जिसमें दो सॉलिड रॉकेट बूस्टर है। मैंने पहले भी जैसे आपको बताया था लॉन्च व्हीकल्स में भी पीएसएलवी मार्क टू, पीएसएलवी मार्क थ्री में कितने स्ट्रैपॉन्स होते हैं, सॉलिड स्ट्रैपॉन्स है, लिक्विड स्ट्रैपॉन्स है, क्रायोजेनिक अपर स्टेज है, क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको याद होनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ये जो ए सैट है, एंटी सेटेलाइट मिशन, ये मिसाइल, एंटी सेटेलाइट मिसाइल, ये एक थ्री स्टेज मिसाइल है जिसके अंदर दो सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, बेसिकली ये पूरा एंटायर एफर्ट, ये जो सारा एफर्ट है वो इंडिजिनस था, मतलब इंडिया में खुद का था, जो ये दिखाता है कि हमारा देश बहुत कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल मिशंस के लिए भी तैयार है और उसको डेवलप कर सकता है। इस सक्सेस के साथ इंडिया फोर्थ ऐसा नेशन बन गया वर्ल्ड में जिसके पास ये कैपेसिटी है। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ जायंट रेडियो गैलेक्सीज। इंडियन रिसर्चर्स जायंट रेडियो गैलेक्सीज पे काम कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स IUCAA पुणे, ठीक है। उसके अलावा इंडिया
एंड लेडन यूनिवर्सिटी नेदरलैंड्स की, इन सब ने करीब 400 नए जाइंट रेडियो गैलेक्सीज को फाइंड आउट किया है। जाइंट रेडियो गैलेक्सीज क्या है? ये काफी बड़े सिंगल स्ट्रक्चर्स होते हैं यूनिवर्स के अंदर। पहला सवाल, रेडियो गैलेक्सीज क्या होते हैं? यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, हमें पता है, और सब में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है सेंटर में, ये भी हमें पता है। कुछ ब्लैक होल्स ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, और वहां से जो जेट ट्रैवल कर रहा है वो ऑलमोस्ट किस स्पीड पे, लाइट की स्पीड पे ट्रैवल करेगा, किस स्पीड पे ट्रैवल करेगा, लाइट की स्पीड पे ट्रैवल करेगा। एक ब्लैक होल जो स्पेस में कहीं पर भी है, उसके पास इतनी ग्रेविटी होती है कि लाइट वहां से बाहर नहीं आ सकती। ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है क्योंकि लाइट वहां से बाहर नहीं आ सकती। ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग क्यों है कि वो ब्लैक होल बनता कैसे, हमने पढ़ा था, एक्सप्लोजन होगा, वो पूरा कॉन्सेंट्रेट होके एक छोटे से मास में हाई मैटर डेंसिटी होगी, तो मैटर स्क्वीज होके एक छोटे से स्पेस में ऑक्यूपाई हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत स्ट्रांग फील्ड जनरेट होता है। जब स्टार जनरली टाई कर रहा होता है तब ये बनता है। ठीक है, इन जेट्स की अगर हम बात करें तो ये रेडियो लाइट में विजिबल होते हैं, या रेडियो वेवलेंथ में अगर देखा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, वहां पर विजिबल होते हैं। ऐसी गैलेक्सीज जिनमें एक्टिव ब्लैक होल है वो बहुत हाई स्पीड जेट शूट करते हैं, और उन्हीं को रेडियो गैलेक्सीज कहते हैं। ठीक है, एक्टिव ब्लैक होल्स है वो हाई स्पीड जेट शूट करते हैं, एंड उनको रेडियो गैलेक्सीज कहा जाता है। रेडियो गैलेक्सी एक स्ट्रॉन्ग सोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, या रेडियो वेव्स का। और ये इतने वीक होते हैं, इनकी रेडियो ल्यूमिनोसिटी इतनी वीक होती है कि कितना भी सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप हो उसको फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अब जाइंट रेडियो गैलेक्सीज क्या है? जब ये कुछ रेडियो गैलेक्सीज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए साइज में, और इनका डिस्टेंस करीब 33 लाख लाइट ईयर्स के पार चला जाए, उससे भी बड़ा हो जाए, तो इसको हम जाइंट रेडियो गैलेक्सीज कहते हैं। इनको पहली बार डिस्कवर किया गया था 1974 में, और 2016 तक आते आते करीब 300 जाइंट रेडियो गैलेक्सीज नोन थे। ठीक है, लेटेस्ट फाइंडिंग के हिसाब से अराउंड 800 से भी ज्यादा जाइंट रेडियो गैलेक्सीज हमें पता है। अब ये अभी तक क्लियर नहीं है कि कैसे कुछ ऑब्जेक्ट इतने ज्यादा स्केल पे बड़े हो जाते हैं, या ये जो ब्लैक होल्स है, ये जो एक्टिव ब्लैक होल्स है इनको फ्यूल क्या कर रहा है। ठीक है, इनको इतना सपोर्ट कर क्या रहा है, ये समझना थोड़ा मुश्किल है, ये अभी भी क्लियर नहीं है। जो जेट्स जो ये जितना ये जेट रिलीज करते हैं उससे ये पता चलता है कि जो ब्लैक होल है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और एक्टिव है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली उनका फ्लाइट सक्सेसफुली एक टेस्ट किया है। एक व्हीकल कौन सा? हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, फ्लाइट टेस्टिंग कर दी है उसकी। ये एक अनमैन्ड स्क्रैमजेट है। स्क्रैमजेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रामजेट और स्क्रैमजेट में क्या डिफरेंस है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पुरानी क्लासेस में, तो उसको ध्यान से पढ़ लेना। ये एक अनमैन्ड स्क्रैमजेट डेमोन्स्ट्रेशन एयरक्राफ्ट है जो हाइपरसोनिक स्पीड पे ट्रेवल करता है। हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल होता है। जिसने रामजेट और स्क्रैमजेट नहीं पढ़ा उसको ये क्लियर नहीं होगा, तो पुरानी क्लासेस जरूर से देख लेना। इस व्हीकल की अगर हम बात करें तो इसकी वेलोसिटी, जो स्पीड ऑफ साउंड होती है, दैट इज मॉक 6, उससे 6 टाइम्स ज्यादा है। मॉक नंबर क्या होता है? किसी भी एयरक्राफ्ट की स्पीड को जब हम स्पीड ऑफ साउंड से कंपेयर करते हैं तो हम मॉक नंबर निकालते हैं उसका। ठीक है, जैसे मॉक 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड कितना है? 343 मीटर पर सेकेंड। आई होप अभी तक जो स्पीड चल रही है आपको समझ में आ रही होगी, स्पीड में किसी को कोई इश्यू नहीं होगा। सो लास्ट टाइम में आपको थोड़ा स्पीड में इश्यू था, तो आई होप वो स्पीड आपकी ठीक चल रही होगी अभी। इफ यू स्टिल हैव सम इश्यूज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, विल गो मोर, विल जस्ट गो स्लोअर। ओके, अब इसको कहाँ कंडक्ट किया गया था? मैंने अभी बताया आपको, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स पे कंडक्ट किया गया था, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है उड़ीसा के कोस्ट पे। इम्प्लीकेशन क्या है इसके साथ ही? इंडिया फोर्थ कंट्री ऐसी हो जाती है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है। फर्स्ट 3 कंट्रीज कौन सी है? USA, रशिया एंड चाइना। स्पेस टेक्नोलॉजी में आप देख रहे होंगे जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं उन सब में ये 3 कंट्रीज फिक्स्ड है, USA, रशिया एंड चाइना। तो अगर आपको कभी एग्जाम में नहीं भी आ रहा होता थोड़ा आप तुक्का मार सकते हो, इंटेलिजेंट गेस कर सकते हैं। ओके, चाइना ने अपना फर्स्ट वेव राइडर हाइपरसोनिक फ्लाइट टेस्टिंग की थी 2018 के अंदर।
एयर ब्रीदिंग इंजन। अभी मैंने आपको बताया था एयर ब्रीदिंग इंजन है इसका। एयर ब्रीदिंग इंजन क्या होता है? एयर ब्रीदिंग इंजन एटमोस्फेयर के ऑक्सीजन को यूज करता है और फिर उसको यूज करता है एज अ फ्यूल, उसका कंबशन करके फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता है। ये हमने पढ़ा भी हुआ है पहले, रामजेट में ऐसा होता है ना? जैसे टर्बो जेट है, टर्बो प्रॉप है, रामजेट है, पल्स जेट है, इन सब में एयर ब्रीदिंग इंजन का इस्तेमाल होता है। अब इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि इससे सिस्टम थोड़ा लाइट हो जाएगा, एफिशिएंट रहेगा, कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि फ्यूल जनरेट करने में हमें बहुत पैसा लग जाएगा। यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं? एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके फ्यूल जनरेट कर रहे हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गया, राइट? अब अभी अगर देखा जाए तो जो सैटेलाइट्स हैं उनको ऑर्बिट में कैसे लॉन्च किया जाता है? मल्टी स्टेज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा। मल्टी स्टेज सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल सिर्फ एक ही बार यूज हो सकते हैं, एक्सपेंडेबल है, एक ही बार यूज हो सकते हैं। इन व्हीकल्स में क्या होगा? ऑक्सीडाइजर होता है फ्यूल के साथ साथ, ताकि थ्रस्ट प्रोड्यूस किया जा सके। थ्रस्ट वो इनिशियल एनर्जी है जिसके थ्रू, फोर्स है जिसके थ्रू वो आगे बढ़ता है। फिर उसमें एक प्रोपल्शन सिस्टम होता है जो एटमोस्फेयर के ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा फ्लाइट के टाइम पे, ताकि जो टोटल प्रोपेलेंट रिक्वायर्ड है या फ्यूल रिक्वायर्ड है वो कम रिक्वायर्ड हो, ठीक है? अगर इन व्हीकल्स को हम किसी तरह रीयूजेबल बना लेते हैं, इनको हम दोबारा अगर यूज कर सकते हैं, तो सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का कॉस्ट हमें काफी कम पड़ जाएगा, ठीक है? काफी कॉस्ट एफिशिएंट हो जाएगा। कितने टाइप के एयर ब्रीदिंग इंजन हैं? जैसे रामजेट मैंने अभी आपको बताया भी था, रामजेट एक फॉर्म है एयर ब्रीदिंग जेट इंजन का, जो व्हीकल के फॉरवर्ड मोशन को यूज करता है, ताकि देखो व्हीकल का फॉरवर्ड मोशन यूज करेगा, जो इनकमिंग एयर है उसको कंप्रेस कर लेगा और उसका कंबशन करेगा। और इसमें कोई रोटेटिंग कंप्रेसर नहीं है, अलग से कंप्रेसर नहीं है, वो एयर को कंप्रेस करेगा और वहां पे कंबशन करेगा ताकि फ्यूल प्रोड्यूस कर सके। रामजेट सबसे ज्यादा किस स्पीड पे काम करते हैं? सुपरसोनिक स्पीड पे काम करते हैं, लेकिन हाइपरसोनिक स्पीड पे वो काम नहीं करते, इतने एफिशिएंट नहीं होते। वही हम स्क्रैमजेट की बात करें तो स्क्रैमजेट एक्चुअली रामजेट का ही एक इंप्रूवमेंट है, जो हाइपरसोनिक स्पीड पे काम करता है और सुपरसोनिक कंबशन इसमें हो सकता है। तो रामजेट और स्क्रैमजेट में बेसिक डिफरेंस, वो हाइपरसोनिक स्पीड पे काम नहीं करता, एफिशिएंट नहीं होते। स्क्रैमजेट हाइपरसोनिक स्पीड पे एफिशिएंटली ऑपरेट करता है। नेक्स्ट टाइप है ड्यूअल मोड रामजेट। ये हम पहले सारे पढ़ चुके हैं विद डायग्राम, तो ध्यान से एक बार वो क्लास भी कर लेना, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ड्यूअल मोड रामजेट, ड्यूअल मोड रामजेट क्या होता है? ये एक टाइप है जेट इंजन का, जहां पे रामजेट को हमने स्क्रैमजेट में ट्रांसफॉर्म कर दिया। उसकी एक रेंज होती है 4 to 8 Mach, जो स्पीड है उतनी रेंज अगर होगी तो रामजेट से वो स्क्रैमजेट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यानी कि ये सबसोनिक स्पीड पे भी अच्छे से ऑपरेट कर सकता है, सुपरसोनिक कंबशन मोड पे भी, सबसोनिक और सुपरसोनिक दोनों कंबशन मोड में ऑपरेट कर सकता है, ठीक है? सबसोनिक आप देख सकते हैं स्पीड रेंज सबसोनिक की कितनी होती है? लेस देन 0.8, वेलोसिटी लेस देन 274 मीटर पर सेकेंड। ट्रांससोनिक याद रखना इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे इक्विपमेंट में यूज नहीं हो रहा है इतना। सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक आपको पता होना चाहिए। सुपरसोनिक का मॉक नंबर होता है 1.2 to 5, हाइपरसोनिक का 5 to 10, और ये रही उसकी स्पीड। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके एडवांटेजेस की। देखो एडवांटेजेस क्या है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इंडिजिनसली डेवलप्ड है, इंडिया में खुद से डेवलप हुई है, तो ये हमारे यहाँ के सिस्टम्स का डेवलपमेंट बूस्ट करेगा, हाइपरसोनिक व्हीकल्स के डेवलपमेंट को ये बूस्ट करेगा। और क्या फायदा है इसका? इसकी हाई स्पीड की वजह से ज्यादातर रेडार्स इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो ये जितने भी मोस्टली जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको आसानी से पेनिट्रेट कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली हमें हेल्प करेगी स्पेस सेक्टर में, ताकि स्पेस सेक्टर को हम डेवलप कर सके एट लो कॉस्ट, कम दाम पे हम स्पेस सेक्टर को डेवलप कर सके और हाई एफिशिएंसी रीयूजेबल सैटेलाइट्स बना सके। डिसएडवांटेज क्या है? बहुत हाई कॉस्ट है, शुरुआत में इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, ठीक है? डीआरडीओ ने ये स्टार्ट किया था ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एचएसटीडीवी, हमने पढ़ा है, जो 2010 में स्टार्ट हुआ था। इसरो ने भी इस पे काम किया है, इस टेक्नोलॉजी पे, एंड डीआरडीओ ने एक टेस्ट कंडक्ट किया था इस सिस्टम का 2019 जून में भी। बहुत हाई कॉस्ट पड़ता है, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। एक बार बच्चे चंद्रयान के बारे में पूछ रहे थे, तो जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं। चंद्रयान 1 इंडिया का फर्स्ट मिशन था मून के लिए, जिसको इसरो ने लॉन्च किया था 2018 में। फिर जो मिनरल मैपर है M3, उसके डेटा से पता चलता है, जो एक्चुअली चंद्रयान 1 पर एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे पता चलता है कि ल्यूनर पोल्स में हेमेटाइट प्रेजेंट है। हेमेटाइट क्या होता है? हेमेटाइट इज Fe2O3, ठीक है? आयरन ओर है, आयरन ऑक्साइड है, या फिर हम इसको कह सकते हैं रस्ट है।
तो जब आपने देखा होगा कि जो आयरन होता है उस पे अगर थोड़ा सा पानी गिर जाए, ठीक है, लोहे पे थोड़ा सा पानी गिर जाए और हवा में छोड़ दे, तो उसमें जंग लग जाती है, वही आयरन ऑक्साइड है, Fe2O3। तो जब आयरन को हम ऑक्सीजन और वाटर में एक्सपोज करते हैं तो रस्ट बनता है या आयरन ऑक्साइड बनता है। अब मून के सरफेस पे आयरन रिच रॉक्स तो हैं, बट हमें ये नहीं पता वाटर ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है, क्योंकि ये दोनों की जरूरत होती है ताकि रस्ट क्रिएट कर सके। तो नासा को एविडेंस मिला है कि जो मेटल्स है, जैसे आयरन है, टाइटेनियम है, मून के सरफेस पे आयरन टाइटेनियम जैसे मेटल की क्वांटिटी काफी ज्यादा है। तो अब सवाल उठता है, जब हमें ये नहीं पता कि वाटर और ऑक्सीजन है या नहीं है, तो इस रस्टिंग की वजह क्या होगी? लूनर पोल्स पे जो रस्टिंग है इसकी वजह क्या होगी? हो सकता है अर्थ का ऑक्सीजन है जो हेमेटाइट बना रहा हो वहां पे। अर्थ कैसे, अर्थ में क्या होता है, जो मैग्नेट, अर्थ एक मैग्नेट की तरह काम करता है, मैग्नेटोस्फेयर है अर्थ का, उसमें मैग्नेटो टेल बनी रहती है, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को मून तक लेके जाएगा, और वही टेल 99% सोलर विंड को भी प्रिवेंट करके रखता है। जब जो मून का ऑर्बिट आता है उसमें 99% सोलर विंड को नहीं जाने देता। जो सोलर विंड है वो एक्चुअली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो सन से बाहर निकल रहे हैं, जैसे ये है, ठीक है, सन है ये, तो इस तरीके से सोलर विंड्स उसके सारे विसिनिटी में, सराउंडिंग में रहती है। जो अर्थ पे आती है, जो अर्थ और मून पे हाइड्रोजन थ्रो करती है, तो ये सोलर विंड क्या करती है, अर्थ और मून पे हाइड्रोजन थ्रो करती है। हाइड्रोजन हेमेटाइट को बनने नहीं देता, तो फिर इसका क्वांटिटी इसकी कम होनी चाहिए, तभी वहां पर मिनरल इंटरैक्ट कर पाएंगे। तो ये कहा जा रहा है अर्थ का जो मैग्नेटो टेल है, मैग्नेटोस्फेयर का जो मैग्नेटो टेल है, वो इस सोलर विंड को मून तक कम पहुंचने देता है, जिसकी वजह से रस्टिंग की फॉर्मेशन ज्यादा होगी। चंद्रयान 1 के डेटा के हिसाब से मून के पोल्स पे वाटर हो सकता है, क्योंकि वहां पे रस्टिंग हो रही है, और साइंटिस्ट इसको बस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रयान 3 के बारे की बात करें तो 2021 में लॉन्च होना था, ऑब्वियसली चंद्रयान 2 था इससे पहले, जो चंद्रयान 3 उसी का एक रिपीट मिशन है। चंद्रयान 2 में लैंडर और रोवर थे, ऐसे ही चंद्रयान 3 में भी लैंडर और रोवर होंगे, बट यहाँ पे ऑर्बिटर नहीं। चंद्रयान 3 कहाँ पे लैंड करेगा, मून के साउथ पोल पे लैंड करेगा। चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 में, लेकिन जो विक्रम लैंडर था आपने सुना भी होगा, उसकी हार्ड लैंडिंग हो गई थी 7 सितंबर 2019 में, और वहीं पर वो मिशन फेल हो गया था। चंद्रयान 3 जो आर्टेमिस प्रोग्राम है, जिसके बारे में हमने अभी लास्ट क्लास में ही पढ़ा है, उस प्रोग्राम के अंदर नासा फर्स्ट वुमेन और नेक्स्ट मैन को मून पे लैंड कराएंगे 2024 में। ये इंडिया का पहला ऐसा ह्यूमन स्पेस मिशन, इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान, इसका भी एम यही है कि 3 मेंबर क्रू को स्पेस में भेजा जा सके फॉर अ पीरियड ऑफ 5 to 7 days इन 2022, जब इंडिया के 75 years कंप्लीट हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के। इस ब्लैक होल की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स जो डिटेक्ट किए गए हैं 2019 में, कहाँ पे, लिगो में, लेजर इंफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी यूएसए में, उसके हिसाब से, और जो डिटेक्टर है वर्गो इटली का, उसके हिसाब से ब्लैक होल में एक अनयूजुअल मास होता है। ये जो वेव्स होती हैं, ये कैसे बनती हैं, जब दो ब्लैक होल्स कोलाइड करेंगे, ठीक है, दो ब्लैक होल्स जो बहुत पुराने हैं, बिलियंस ऑफ इयर्स पुराने हैं, वो जब कोलाइड करते हैं तो ऐसा अनयूजुअल मास, ऐसी वेव्स क्रिएट होती है, ठीक है, इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल ये क्रिएट होती है। इस सिग्नल का नाम दिया गया था GW190521, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि दो ब्लैक होल्स मर्ज हो गए हैं। ये कितनी देर तक लास्ट किया था, 1/10 of a second तक लास्ट किया था, और ये कैलकुलेट किया गया कि ये करीब 17 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है यूनिवर्स से, यूनिवर्स में जो यूनिवर्स का पूरा एज है उसका हाफ ऑफ द एज, तो 17 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, ठीक है। इन दोनों में से जो लार्जर ब्लैक होल है वो 85 सोलर मास के बराबर है और स्मॉलर 66 सोलर मास के बराबर। अब सोलर मास क्या होता है, जितना सन का मास है वो होता है सोलर मास। सन का मास कितना है, 1.9 × 10⁻³० किलोग्राम, जो बेसिकली करीब 3,033,000 अर्थ के बराबर है। तो इतना सोलर मास था, जब ये दोनों मर्ज किए तो 142 सोलर मासेस का एक नया ब्लैक होल बना। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग आप देख सकते हैं वेव थी जो इससे रिलीज हो रही थी, जो अभी तक साइंटिस्ट ने डिटेक्ट की है। ओके, सोलर मास एज अ बेसिक यूनिट ऑफ मास यूज किया जाता है। अनयूजुअल मास कैटेगरी की बात करते हैं तो ब्लैक होल 85 सोलर मास का इंटरमीडिएट मास रेंज में फॉल करता है, जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज को डिफाई करता है ब्लैक होल्स की।
ट्रेडिशनल नॉलेज के हिसाब से अगर किसी का मास 65 टू 120 सोलर मास के बीच में है तो वो स्टार ब्लैक होल को नहीं जन्म दे सकता क्योंकि वो बर्स्ट हो जाता है। जैसे वो डाई करते हैं तो वापस से ब्लैक होल में कोलैप्स नहीं करेंगे, वो सीधा बस बर्स्ट हो जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे मर्जर हुआ है और एक सिग्नल क्रिएट हुआ जो मैंने अभी आपको बताया, GW19521 सिग्नल, जो लार्ज, जो काफी बड़ा ब्लैक होल था और अनएक्सपेक्टेड रेंज में था। इसको कहा जा रहा है पेयर इंस्टेबिलिटी मास गैप, ठीक है, हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज से कहीं ज्यादा अलग। रीजन क्या कहा जा रहा है, रिसर्चर्स के हिसाब से जो बड़ा ब्लैक होल था 85 सोलर मास ब्लैक होल, वो स्टार के कोलैप्स होने की वजह से नहीं बना था, वो पुराने किसी मर्जर की वजह से बना था और जब वो आगे जाके दोबारा मर्ज हुआ तब इतना अनयूजुअल मास बना है, तो ये साइंटिस्ट का कहना है। अब ब्लैक होल क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ, एक ऐसा पॉइंट जहां पे मैटर इतना कंप्रेस्ड है कि ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज्यादा होती है वहां पे और लाइट वहां से एस्केप नहीं हो सकती। ये थ्योरी दी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1915 में, और टर्म दिया था ब्लैक होल किसने, अमेरिकन फिजिसिस्ट ने, व्हीलर ने। तो याद रखना, थ्योरी दी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बट टर्म ब्लैक होल दिया था व्हीलर ने, अमेरिकन फिजिसिस्ट। जितने भी ब्लैक होल्स ऑब्जर्व किए जाते हैं वो दो कैटेगरीज के हो सकते हैं, पहला जो कुछ सोलर मास से लेके टेंस ऑफ सोलर मास तक होते हैं और दूसरा जो काफी बड़े होते हैं जिनको सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कहा जाता है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था। अप्रैल 2019 में साइंटिस्ट, कहां के साइंटिस्ट, ये इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट पे इन्होंने पहला इमेज दिया था ब्लैक होल का, ठीक है, इनफैक्ट उसके शेडो का इमेज दिया था। तो ये इमेज कैसे आई थी, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से आई थी। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप क्या है, ग्रुप ऑफ 8 रेडियो टेलीस्कोप है जो रेडियो वेव्स को फाइंड आउट करते हैं अलग अलग पार्ट में वर्ल्ड के। ग्रेविटेशनल वेव, जब दो कोई भी ब्लैक होल ऑर्बिट करते हैं एक दूसरे की तरफ और मर्ज कर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल वेव्स क्रिएट होती है जिनको कैच किया जाता है। अब यहाँ पर देखो, आप देख रहे हैं इस तरीके से स्वर्ल हो रहा है, ये एक ब्लैक होल है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर में देयर इज अ ब्लैक होल, इसकी ग्रेविटेशनल बाउंड्री इतनी ज्यादा है कि यहाँ से लाइट एस्केप नहीं कर सकती। इसके चारों तरफ जो आपको ये डिस्क दिख रहा है, जो स्वर्ल्ड हो रहा है, इसको कहते हैं एक्रिशन डिस्क। ये स्वर्लिंग मास है मैटर का और इसी तरीके से स्पाइरल करते 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 ये सेंटर में ब्लैक होल बनाता है। एंड थर्ड आता है रिलेटिविस्टिक जेट्स, जो मैंने आपको बताया था डेड जेट्स रिलीज करती है, जो लाइट्स आपको दिख रही है ये है जेट्स, जो मैटर या रेडिएशन इससे बाहर आती है, ठीक है, उसको कहते हैं जेट्स। द नेक्स्ट न्यूज इज एस्ट्रॉइड 2018 VP1। नासा के हिसाब से, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, एक एस्ट्रॉइड है जिसका नाम है 2018 VP1, वो कोलाइड कर सकता है अर्थ के साथ। एस्ट्रॉइड 2018 VP1 का डायमीटर अराउंड 2 meters है और इसका साइज एक छोटा ऑटोमोबाइल, कोई भी छोटा आप व्हीकल देख सकते हैं उसके उसके साइज का है ये। 240 में से एक चांस है कि ये अर्थ को इम्पैक्ट करेगा और फाइनली जब अर्थ के एटमोस्फेयर में आएगा तो ये बर्न अप हो जाएगा। इससे आपको एक कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए मीटियोर का, हमने पहले पढ़ा था मीटरॉइड, मीटियोर एंड मीटरॉइड के बारे में क्या डिफरेंस है इनका। मीटरॉइड होता है, जैसे जो एस्ट्रॉइड है वैसा ही एक मीटरॉइड होता है, रॉकी बॉडीज है, ये भी मीटरॉइड्स भी रॉकी बॉडीज होती है। जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो कई बार इनमें ये छोटे टुकड़ों में बट जाती है, इनमें आग लग जाती है, इनको मीटियोर्स या मीटियोर शावर कहते हैं या शूटिंग स्टार कहते हैं। अगर ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आया है और ये छोटे पार्ट्स में नहीं टूटा, इसमें आग नहीं लगी और एज इट इज जाके अर्थ के सरफेस पे टकरा जाता है तो उसको मीटरॉइड कहते हैं। तो ये एस्ट्रॉइड है, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगा ये 2018 VP1, तो ग्राउंड पर पहुंचने से पहले इस ये फायरबॉल जैसा बन जाएगा, इसमें आग लग जाएगी। और नासा के हिसाब से ऐसा एक कोई ना कोई इवेंट हर साल एक बार तो होता है। एस्ट्रॉइड्स क्या है, वैसे तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं बट लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज इट। एस्ट्रॉइड्स माइनर प्लैनेट्स होते हैं, उनको माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं, रॉकी बॉडीज हैं जो बहुत पहले सोलर सिस्टम के टाइम पे, फॉर्मेशन के टाइम पे कुछ रॉकी बॉडीज थी, उनका रेमिनेंट है, उनका बचा हुआ पार्ट है। ज्यादातर एस्ट्रॉइड इरेगुलरली शेप्ड होते हैं, कुछ हैं जो नियरली आपको स्फेरिकल मिल जाएंगे। बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स ऐसे हैं जिनका एक छोटा कंपेनियन मून होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर एस्ट्रॉइड में एक डबल एस्ट्रॉइड यानी कि बाइनरी सिस्टम होता है और एक ट्रिपल एस्ट्रॉइड सिस्टम होता है। डबल एस्ट्रॉइड सिस्टम में दो रॉकी बॉडीज एक दूसरे के आसपास ऑर्बिट करती रहती है, ट्रिपल एस्ट्रॉइड सिस्टम में 3 रॉकी बॉडीज होती है। एस्ट्रॉइड की क्लासिफिकेशन हम पहले पढ़ चुके हैं इसलिए मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगी। मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ट्रोजन्स है, लैग्रेंज पॉइंट है और नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स है।
एस्ट्रॉइड कोलिजन जब अर्थ के साथ होता है तब क्या? देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट एक सिग्निफिकेंट डैमेज कर सकता है अगर उसका साइज 30 मीटर से ज्यादा है। नासा के हिसाब से जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम है उसके हिसाब से एस्ट्रॉइड्स जो 140 मीटर्स या उससे बड़े होते हैं, बेसिकली आप कह सकते हैं एक छोटे फुटबॉल स्टेडियम से बड़े होते हैं, वो बहुत ज्यादा कंसर्न वाली बात है क्योंकि उसमें डेवस्टेशन का लेवल ज्यादा होगा, उसमें खतरा ज्यादा होगा, नुकसान ज्यादा होगा। कोई भी एस्ट्रॉइड जो 140 मीटर से ज्यादा का नहीं है उसका इतना कोई चांस नहीं है कि अर्थ को नेक्स्ट 100 ईयर्स में भी वो हिट कर दे। क्लियर फिलहाल के लिए। फिर हम आते हैं चिक्सलव इम्पैक्टर या क्रेटर, आप इसे कह सकते हैं। एक एस्ट्रॉइड था जो सडनली जिसने डायनासोर का एक्सटिंक्शन कर दिया था 66 मिलियन ईयर्स अगो। वो एस्ट्रॉइड आके अर्थ पे टकराया, उसकी वजह से सारे डस्ट पार्टिकल एयर में आ गए, और आप एक बार ऐसा भी बोला गया था कि उन डस्ट पार्टिकल की वजह से डायनासोर को इजिली देख पाना मुश्किल हो गया था, वो देख नहीं पा रहे थे, खा नहीं पा रहे थे, इसकी वजह से अल्टीमेटली वो एक्सटिंक्ट हो गए थे। इस वाले एस्ट्रॉइड का डायमीटर करीब 10 किलोमीटर से भी ज्यादा था। बात करते हैं इसको डिफ्लेक्ट करने की। ओवर द ईयर साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया है कि मान लो कोई भी एस्ट्रॉइड है जिसका सीरियस इम्पैक्ट है, सीरियस इम्पैक्ट हो सकता है, तो उसको हम डिफ्लेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसको हम ब्लो अप कर सकते हैं, उसको हम बर्स्ट कर सकते हैं इससे पहले कि वो अर्थ पे पहुंचे, या उसको हम डिफ्लेक्ट कर सकते हैं किसी स्पेसक्राफ्ट से हिट करके। नेक्स्ट इज द एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट एंड डिफ्लेक्शन असेसमेंट। ये अभी तक का सबसे ड्रास्टिक मेजर है जो लिया गया है, और इसमें किसका कोलैबोरेशन है? नासा के डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन का और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के हीरा का। अब यहाँ पर देखिए टारगेट क्या था इसका, ये जो एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट है इसका टारगेट था डिडीमोस। ये एक बाइनरी नियर अर्थ एस्ट्रॉइड है। बाइनरी मतलब इसमें दो रॉकी बॉडीज होंगे और इनमें से एक बॉडी जो है उसका साइज सिग्निफिकेंट है जिसकी वजह से अर्थ को थ्रेट हो सकता था। ये जो डेडीमोस है ये अर्थ और मार्स के ऑर्बिट के बीच में है, तो इसको टारगेट किया जाएगा। फिर हम बात करते हैं डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट की। ये जो डार्ट है इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 2018 में और इसको लॉन्च किया जाएगा 2021 में। एम क्या है इसका? जितने भी छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स हैं डेडिमोस सिस्टम के उनको 6 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड पे जो है 2022 में उनको खत्म करना। ठीक है, ये उसका आइडिया है। फिर हम हेरा की बात करते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया इसके बारे में भी, इसका शेड्यूल है कि ये लॉन्च किया जाएगा 2024 में और ये अगेन डिडिमो सिस्टम में पहुंच जाएगा अराउंड 2027 में। एम है कि जो इम्पैक्ट क्रिएटर प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है, ये जो डार्ट का कोलिजन होगा उसकी वजह से एक इम्पैक्ट क्रिएटर बनेगा। इम्पैक्ट क्रिएटर क्या होता है? जब दो एस्ट्रॉइड या एस्ट्रॉइड कहीं पे सरफेस पे टकराता है तो इस तरीके से एक डिप्रेशन बन जाता है, उसको क्रिएटर कहते हैं। तो उसको पढ़ना इसका मेन एम होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्ट्रोसैट की। एस्ट्रोसैट क्या है? देखिए, अर्ली गैलेक्सी है जिसको एस्ट्रोसैट द्वारा डिटेक्ट किया गया है। एक टीम थी साइंटिस्ट की फ्रॉम इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, IUCAA। इन्होंने डिस्कवर किया है कुछ वन ऑफ द अर्लीस्ट गैलेक्सी, जो पुरानी, बहुत पुरानी गैलेक्सी है उनमें से एक जिसका नाम है AUDFS01, एस्ट्रोसैट को यूज करके। ये गैलेक्सी कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है हबल एक्सट्रीम डीप फील्ड में, यानी कि 9.3 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है ये अर्थ से। इस टीम में इंडिया से साइंटिस्ट थे, स्विट्जरलैंड से थे, फ्रांस, यूएसए, जापान और नेदरलैंड से भी साइंटिस्ट इसके अंदर थे। अब ये कौन सा फील्ड है जो मैंने हबल एक्सट्रीम डीप फील्ड बताया कि यहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये स्पेस का वो पोर्शन है जिसमें करीब 5,500 गैलेक्सीज है। सबसे पुरानी गैलेक्सी 13.2 बिलियन ईयर्स पुरानी है, जो हबल स्पेस टेलीस्कोप के वजह से रिकॉर्ड किया गया था अराउंड 10 ईयर्स पहले। अच्छा, हबल स्पेस टेलीस्कोप क्या है? तो HST या हबल ये एक स्पेस टेलीस्कोप है जिसको लॉन्च किया गया था लो अर्थ ऑर्बिट में 1990 में, और अभी भी ये ऑपरेशन में है। ये अभी तक का वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट वर्सेटाइल स्पेस टेलीस्कोप है। ठीक है, लार्जेस्ट एंड मोस्ट वर्सेटाइल। जिस गैलेक्सी को डिस्कवर किया गया था उसको डिस्कवर कैसे किया गया था? यूजिंग UVIT यानी कि अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप जो एस्ट्रोसैट पे है उसको यूज करके इसको डिटेक्ट किया गया था। एस्ट्रोसैट क्या करता है? एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट रेज जो एमिट होती है गैलेक्सी से उनको डिटेक्ट करता है। पहले नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप जो बहुत ही ज्यादा बड़ा है बेसिकली UVIT से, अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप से,
उसने कुछ भी डिटेक्ट नहीं किया था, कोई यूवी एमिशन डिटेक्ट नहीं किया था इस गैलेक्सी से, क्योंकि बहुत ज्यादा फेंट था। फिर एस्ट्रोसैट की अगर हम बात करते हैं, एस्ट्रोसैट बाद में इट वॉज एबल टू अचीव दिस फीट, क्योंकि जो बैकग्राउंड नॉइज होती है यूवीआईटी डिटेक्टर में, ये बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू हबल स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, तो इसी वजह से यूवीआईटी या एस्ट्रोसैट, इसको एस्ट्रोसैट भी कहते हैं, एस्ट्रोसैट के ऊपर ही है ना यूवीआईटी, तो यूवीआईटी इसको डिटेक्ट कर पाया, हबल स्पेस टेलीस्कोप डिटेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि यूवीआईटी डिटेक्टर में बैकग्राउंड नॉइज बहुत कम है। ओके, ये जो ऑब्जर्वेशंस थे कितनी देर तक रहे थे? अक्टूबर 2016 में 28 आवर्स से ज्यादा रहे थे। लेकिन इसको एनालाइज करने के लिए, इस डेटा को प्रॉपरली समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए करीब 2 साल लग गए तब से लेकर। एस्ट्रोसैट, अगेन इसके बारे में वैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं एक बार बता देती हूँ फिर से, ये एक मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमी मिशन है, आईआरएस क्लास का, यानी कि इंडियन रिमोट सेंसिंग क्लास सेटेलाइट का, इंडियन रिमोट सेंसिंग हम पढ़ चुके हैं, जो नियर इक्वेटोरियल ऑर्बिट में है। इसको लॉन्च कैसे हुआ था? इसको लॉन्च किया गया था थ्रू पीएसएलवी, जो इंडियन लॉन्च व्हीकल है पीएसएलवी, कहां से? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था ऑन सितंबर 28, 2015 बाय इसरो। देन ये फर्स्ट डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन है, जिसका काम सेलेशियल सोर्सेज में जो एक्स रेज रिलीज होती हैं, या यूवी स्पेक्ट्रल बैंड्स हैं, ऑप्टिकल बैंड्स हैं, उनको समझना है। ठीक है, इसका बेसिक काम यही है, ये इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन के लिए ही बनाया गया है, उसी के लिए कंप्लीटली डेडिकेटेड है। तो ये सेलेशियल जो सोर्सेज है, उनमें से जो यूवी रेज या एक्स रेज, ऑप्टिकल रेज एमिट होती है, उनको स्टडी करने का काम करता है। इसका एक यूनिक फीचर है, वो क्या है कि अगर किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, एक वेवलेंथ से ज्यादा के ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं लगातार, तो उनको भी ये डिटेक्ट कर सकता है इसी सेटेलाइट से। ठीक है, नेक्स्ट एस्ट्रोसैट की अगर हम बात करें, तो इसका जो ग्राउंड सेंटर है, ग्राउंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ये लोकेटेड है इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क आईएसटीआरएसी बैंगलोर इंडिया में। तो इसका जो ग्राउंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, दैट इज लोकेटेड इन बैंगलोर इंडिया। देन लेट्स टॉक अबाउट दिस अर्ली गैलेक्सी जिसकी हमने बात की है। बिग बैंग थियरी से पहले यूनिवर्स के अंदर सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स थे बेसिकली। फिर यूनिवर्स ठंडा होता है और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स धीरे धीरे करके कंबाइन करते हैं और हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। ठीक है, आयनाइज्ड एटम बनाते हैं हाइड्रोजन का, और फाइनली हाइड्रोजन कुछ आगे चलकर फ्यूज करके हीलियम बनाते हैं। देन न्यूट्रल एटम्स का क्रिएशन होता है। न्यूट्रल एटम की क्रिएशन की वजह से लाइट यूनिवर्स से पास हो पाती है और अल्टीमेटली इसको ट्रांसपेरेंट बना देती है। बट अभी भी वो डार्क था, ट्रांसपेरेंट था बट डार्क था, क्योंकि वहां पे कोई स्टार नहीं थे, डार्क एजेस वाला टाइम था, स्टार नहीं होंगे तो लाइट नहीं होगी तो दिखेगी नहीं, लाइट पास हो सकती थी बट लाइट का सोर्स नहीं था। कुछ 100 मिलियन ईयर्स के बाद जो डार्क एज है वो खत्म होता है और पहले स्टार्स और गैलेक्सीज का फॉर्मेशन होता है। ये स्टार्स और गैलेक्सीज बहुत इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती हैं और यूवी लाइट्स रिलीज करती हैं, न्यूट्रल एटम्स रिलीज करती हैं। ये जो अर्ली यूवी लाइट्स हैं, इनको डिटेक्ट किया जा सकता है कैसे? नॉर्मल वही इनको अगर डिटेक्ट कर ले हम, तो हमें उन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स का पता चल जाएगा। देखिए, जो ऑब्जेक्ट यूवी लाइट एमिट कर रहा है, अगर मैं उस यूवी लाइट को कैच कर लेती हूँ, तो मुझे उस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के बारे में पता चल जाएगा। ओके इस बात की प्रोबेबिलिटी कि ये जो एक्सट्रीम यूवी फोटॉन्स हैं, ये अपनी गैलेक्सी को छोड़ के अर्थ के टेलीस्कोप के द्वारा कैच हो जाएं, वो उसकी कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, ना के बराबर। इसीलिए हम स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एचएसटी, हबल स्पेस टेलीस्कोप या एस्ट्रोसैट। आगे हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं? यूवी एमिशन की अगर हम बात करें, उसका डिटेक्शन उसके डिटेक्शन की वजह से, जो AUTFS-01 है, उसकी वजह से हमें बिग बैंग थ्योरी के डिटेल्स का पता चलेगा, डार्क एजेस कैसे खत्म हुए उनका पता चल सकता है, पहले स्टार्स और गैलेक्सीज कैसे बने उनका पता चल सकता है, और अल्टीमेटली हमारी जो ये जितनी भी रिसर्च है, इसमें एक बूस्ट मिलेगा। SpaceX कैप्सूल की बात करते हैं। नासा के दो एस्ट्रोनॉट्स, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के दो एस्ट्रोनॉट्स, एक डू हार्डली एंड दूसरा बॉब बैंकिन, ये अर्थ में वापस आए आफ्टर डिपार्टिंग फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन द SpaceX ड्रैगन कैप्सूल, जिसका नाम रखा गया था एंडेवर। ठीक है, SpaceX ड्रैगन कैप्सूल जिसका नाम था एंडेवर। तो आप यहां पर देख सकते हो कि ये जब SpaceX से वापस आ रहे हैं, तो इसका जो कैप्सूल है, कैप्सूल का पैराशूट आपको करीब गल्फ ऑफ मेक्सिको में मिलेगा, अराउंड 40 माइल्स फ्रॉम द कोस्ट ऑफ पेंसाकोला। क्लियर, हियर इज पेंसाकोला।
इससे 40 माइल्स फ्रॉम द कोस्ट ऑफ पेंसाकोला। ये इसका अप्रोक्सीमेट लोकेशन है। ये फर्स्ट स्प्लैश डाउन है बाय यूएसए एस्ट्रोनॉट इन द लास्ट 45 ईयर्स, जो फर्स्ट कमर्शियली बिल्ट स्पेसक्राफ्ट पे हुआ है। ठीक है, पहला स्प्लैश डाउन है। लास्ट टाइम नासा एस्ट्रोनॉट जब स्पेस से वापस आ रहे थे वाटर पे, तो इट वाज ऑन 24 जुलाई 1975, जो पैसिफिक में आए थे। और ये मिशन यूएसए और सोवियत का जॉइंट मिशन था, नोन एज अपोलो सोयूज। अपोलो सोयूज टेस्ट प्रोजेक्ट पहला स्पेस फ्लाइट था जिसके अंदर दो पार्टिसिपेटिंग नेशन ने साथ में काम करके अपने नेशनल स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया था। अमेरिकन ने अपोलो कमांड मॉड्यूल भेजा था और सोवियत ने सोयूज स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था। स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन, ये हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं, मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। ये एक रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट है जो अमेरिकन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर स्पेसएक्स के द्वारा डेवलप और मैन्युफैक्चर्ड है। स्पेसएक्स एक प्राइवेट कंपनी है जिसका इसके एस्टेब्लिशमेंट 2002 में हुई थी बाय इलॉन मस्क। इसके हेडक्वार्टर्स है कैलिफोर्निया यूएसए में। ये दिस इज एक्चुअली द फिफ्थ क्लास ऑफ यूएसए स्पेसक्राफ्ट जिसके अंदर ह्यूमन बींग्स को ऑर्बिट में ले जाया गया। पहले और कौन से थे? मर्क्यूरी, जेमिनाई, अपोलो एंड स्पेस शटल प्रोग्राम। रॉकेट क्या यूज हुआ था यहाँ पे? वो था फैल्कन 9। और इसको लॉन्च किया गया था फ्रॉम नासा स्पेस सेंटर, नासा का कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था ऑन 31 मई 2020। और ये स्पेसशिप को ऑर्बिट में लेके गया था। जो पूरा मिशन था इसको इसका नाम आप कह सकते हैं, वो था डेमो 2 मिशन ऑफ नासा एंड स्पेसएक्स। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? सिग्निफिकेंस ये है कि ये एक तरीके से अनदर सक्सेसफुल स्पेसएक्स क्रू लॉन्च हो गया। और स्पेसएक्स अब फर्स्ट प्राइवेट कंपनी है जो जिन्होंने ह्यूमंस को ऑर्बिट में सेंड किया है, जिन्होंने वहां पर जाकर स्पेस स्टेशन में करीब 2 महीने से भी ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, ये एक लैंडमार्क मिशन कहा जा रहा है जहां पहली बार यूएसए स्पेस एजेंसी ने ह्यूमंस को लॉन्च किया है फ्रॉम अमेरिकन सॉइल, अमेरिका की सॉइल से पहली बार इसको लॉन्च किया गया है। और इससे पहले था शटल प्रोग्राम था इससे पहले, जिसको 2011 में रिटायर कर दिया गया था। तब से यूएसए रशिया के स्पेस प्रोग्राम पे डिपेंड करती थी ताकि अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन में भेज सके, बट ये पहली बार था जब वो अमेरिका से उन्होंने अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चाइना की। चाइना ने बीडू नेविगेशन सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया था। ये हम ऑलरेडी पूरी बात कर चुके हैं, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको नेविगेशन सिस्टम की जब बात बता रही थी तो उसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया था। चाइना ने फॉर्मली फुल ग्लोबल सर्विसेज लॉन्च किया है, बीडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। जीपीएस के बारे में हमें ऑलरेडी पता है, जीपीएस कहाँ का है? यूएसए का है। इसके बारे में बात करते हैं तो बीडू एक चाइनीज वर्ड से आता है जिसका मतलब है बिग डिपर या प्लो कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स है। तो चाइना का जो बीडू नेविगेशन प्रोजेक्ट है इसको 1990s में लॉन्च किया गया था। उसके बाद से ये ऑपरेशनल था विद इन चाइना ओनली 2000 तक और एशिया पैसिफिक रीजन में 2012 तक। ये जो पूरा नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट हुआ। BDS-1 जो सर्विसेज चाइना को देता था, BDS-2 जो एशिया पैसिफिक रीजन को सर्विसेज दे रहा था, और अब है BDS-3 जो पूरे वर्ल्ड वाइड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ये एक हाइब्रिड कॉन्स्टिलेशन है जिसमें अराउंड 30 सैटेलाइट्स हैं 3 डिफरेंट ऑर्बिट्स में। पहला जीईओ यानी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, दूसरा IGSO यानी कि इंक्लाइंट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, और तीसरा मीडियम अर्थ ऑर्बिट। तो इन तीनों में मिला के 30 सैटेलाइट्स हैं जिसकी हेल्प से नेविगेशन प्रोवाइड होता है। ये नेविगेशन प्रोवाइड करते हैं मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज पे, अलग अलग ऑर्बिट में है मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज पे ये नेविगेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से इनकी सर्विस की एक्यूरेसी ज्यादा है क्योंकि इन सभी फ्रीक्वेंसी को वो कंबाइन करके यूज करते हैं। ये क्या करता है? एक्यूरेट पोजिशनिंग प्रोवाइड करता है, नेविगेशन, टाइमिंग, शॉर्ट मैसेज कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू, सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन, ग्राउंड ऑगमेंटेशन, प्रिसाइज पॉइंट पोजिशनिंग, इन सब के एक्यूरेट पोजिशनिंग ये प्रोवाइड करता है। ये सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इनकी सर्विसेज को चाइना में अलग अलग डिपार्टमेंट में भी यूज किया जा रहा है, जैसे डिफेंस में, ट्रांसपोर्टेशन में, एग्रीकल्चर में, फिशिंग में और डिजास्टर रिलीफ में। ये फोर्थ ग्लोबल सैटेलाइट होगा, नेविगेशन सैटेलाइट होगा। पहला कौन सा है? यूएसए का जीपीएस, दूसरा रशिया का ग्लोनस एंड तीसरा यूरोप का, यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो। उसके बाद ये चाइना का है, ठीक है, बीडो। ये कहा जा रहा है कि यूएसए का जो जीपीएस है, जो हम सब यूज करते हैं जीपीएस सिस्टम, उससे भी कहीं ज्यादा ये एक्यूरेट है।
क्लियर। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम एक जनरल टर्म है जिसमें कोई भी सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन होगा, मतलब सैटेलाइट का ग्रुप होगा, जो पोजिशनिंग प्रोवाइड करेगा, नेविगेशन प्रोवाइड करेगा, आपको टाइमिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा जनरल बेसिस पे, ग्लोबल बेसिस पे। अब यहाँ पर चैलेंज क्या है? चाइना कहता है कि ये कॉपरेशन चाहता है बाकी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम से भी, बट फिर भी प्रॉब्लम ये है कि बीडू एक्चुअली एक तरीके से राइवल देखा जा रहा है, राइवल की तरह देखा जा रहा है अमेरिका के जीपीएस सिस्टम से और रशिया के ग्लोनस सिस्टम की तरफ और यूरोप के यूरोपियन यूनियन के गैलीलियो नेटवर्क। तो एक तरीके से इनका राइवल की तरह इसको देखा जा रहा है, जैसे हमें हमेशा लगता है कि चाइना एक सुपर पावर बनने के ताक फिराक में रहता ही है, सबसे आगे बढ़ना चाहता है, तो जब चाइना अपना कुछ भी लेके आता तो जनरली लगता है कि बाकी सबको रिबेल करने के लिए ही लेके आया जा रहा है। मिलिट्री इंप्लीकेशन क्या है? अगर जैसे ये अपना खुद का सिक्योर और इंडिपेंडेंट नेविगेशन सिस्टम चाइना की मिलिट्री स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेगा, स्पेशली जैसे यूएस और चाइना में जनरली टेंशन बढ़ते रहते हैं, तो उनके मिलिट्री सिस्टम को ये, मिलिट्री स्ट्रेंथ को ये इम्प्रूव करेगा। इसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या होंगे? बेटर एक्यूरेसी होगी, बेटर एक्सपीरियंस होगा बीडीएस के साथ, जैसे कि चाइना ने बोला है, तो बाकी सारी कंपनीज भी इसके साथ आके साइन अप करेंगे। जैसे कि ग्लोबल मार्केट है वो जनरली जितने भी इंफॉर्मेशन बेस्ड इकोनॉमी है वो डोमिनेट करती है, तो वैसे ही चाइना का भी ये है कि वो इंफॉर्मेशन बेस्ड इकोनॉमी बन जाएगी, तो उसको भी इसका बेनिफिट होगा, बीडीएस से उनको भी इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड होगा। देन चाइना क्या करता है, इसके यूज को, बीडीएस के यूज को बाकी कंट्रीज में भी प्रमोट कर रहा है, और जैसे जो जिस कंट्री में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में पढ़ा था, इसमें जो जो कंट्रीज है उनको भी ये प्रमोट, उनको उनके सामने भी ये प्रमोट कर रहा है कि आप भी बीडीएस को यूज कीजिए। पाकिस्तान ने ऑलरेडी इसको स्टार्ट कर दिया है, तो ऑब्वियसली बात है चाइना की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, उनको लेवरेज प्रोवाइड करता है बाकी सारे नेशन से जो इस सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं। अब हम इंडिया की बात करते हैं। जो IRNSS NAVIC, ये हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था ये एक रीजनल नेविगेशन सिस्टम है इंडिया का, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी यूज हो सकता है, बट ये रीजनल है, ये अभी ग्लोबल नहीं है। तो इंडिया क्या कर रही है, अपने इस सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश कर रही है। तो चाइना जो इंडिया का ये सिस्टम है उसको भी कॉम्पिटिशन दे रहा है। कोविड के टाइम्स में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, जो पूरा वर्ल्ड अभी फिलहाल डिपेंडेंट है स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्योंकि कोविड-19 की लिमिटेशंस है, सब आप देख रहे होंगे फिजिकल मीटिंग्स हो नहीं पा रही है, इन पर्सन मीटिंग्स नहीं है, सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो ऐसे केस में इंफॉर्मेशन और स्पेस बेस्ड सर्विसेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रेजेंट टाइम में। तो जिनके पास बेटर सर्विसेज होंगे ऑब्वियसली उनका एज होगा बाकी सबसे ऊपर। चाइना की बात करें अगर हम स्पेस में, तो स्पेस प्रोग्राम चाइना का हम देखते जा रहे हैं पास्ट फ्यू ईयर्स में बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है, एडवांसमेंट हुई है। जो इनका लॉन्च हुआ था Tianwen-1 रोवर मिशन, जो मार्स का मिशन था, उसके बाद काफी एडवांसमेंट हुई है। चाइना ने एक एक्सपेरिमेंटल स्पेस स्टेशन भी कंस्ट्रक्ट किया है, कुछ रोवर्स को भी वहां भेजा है, Change-4, ये हमने इसके बारे में पढ़ा भी था। देन बीडीएस एक दूसरा स्टेप है जिससे वो स्पेस में अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है। इंडिया के IRNSS NAVIC की बात करते हैं, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ अ क्विक ओवरव्यू। तो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये IRNSS का फुल फॉर्म है, जो बाद में ऑपरेशनल हुआ बाय द नेम ऑफ NAVIC, यानी कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। ये एक रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन है इंडिया का, इसको लॉन्च और ऑपरेट किसने किया था, इसरो ने। IRNSS इंडिया को कवर करता है और आसपास के रीजन को, जो 1500 किलोमीटर के रीजन में है उसको कवर करता है। इसमें 7 एक्टिव सैटेलाइट्स हैं और 3 इसमें से लोकेटेड है GEO में, यानी कि जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में, और 4 हैं इंक्लाइंड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। क्लियर। ऑर्बिट क्या है, हमें पता है इस तरीके का एक एलिप्टिकल पाथ होता है जहां पर सैटेलाइट्स सर्कुलर मोशन या रिवोल्यूशन करते हैं, ठीक है। हाई अर्थ ऑर्बिट में जनरली वेदर और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में मोस्टली नेविगेशन सैटेलाइट होते हैं, और लो अर्थ ऑर्बिट में जो भी साइंटिफिक सैटेलाइट्स है, जैसे नासा का सैटेलाइट हो गया, नासाज अर्थ ऑब्जर्विंग फ्लीट, तो इस तरीके के सैटेलाइट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हाई है, ये वाला मिड रेंज है, और ये वाला लो अर्थ ऑर्बिट है। इनके आप डिस्टेंस भी याद रखेंगे, लो अर्थ ऑर्बिट 180 टू 2000 किलोमीटर तक है, 2000 से 35,780 किलोमीटर तक है मिड अर्थ ऑर्बिट, और हाई अर्थ ऑर्बिट है 35,000 से ऊपर। क्लियर। जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट कौन सा है, एक जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट वो ऑर्बिट होता है जिनका जिनका पीरियड अर्थ के रोटेशनल पीरियड के बराबर होता है, इसलिए लगता है कि वो अर्थ के रोटेशनल रोटेशन के बराबर ही है, ठीक है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है, ये मैंने आपको बताया था, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एक्चुअली इज अ
टाइप ऑफ जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट जो सेम जिनका इंक्लिनेशन जीरो है और सेम प्लेन में है इक्वेटर के, तो उसको हम जियोस्टेशनरी ऑर्बिट कह सकते हैं। अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, कंटेमिनेशन की, इंटरप्लेनेटरी कंटेमिनेशन मार्स पे। इसका रिस्क कैसे बढ़ रहा है हम देख रहे हैं बार बार। जितने भी साइंटिस्ट हैं बेसिकली वो मार्स पर अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स करना चाह रहे हैं, वहां पर वो अपने रोवर्स भेजते रहते हैं, अपने सेटेलाइट भेजते रहते हैं, तो इससे एक पॉसिबिलिटी है कि इसमें कंटेमिनेशन हो जाए। कैसे कंटेमिनेशन हो जाए, हमारा सेटेलाइट वहां पे गया, कुछ छोड़ के आ गया, कंटेमिनेशन हो गया। इंटरप्लेनेटरी कंटेमिनेशन के लिए स्पेशली कंसर्न है। इंटरप्लेनेटरी कंटेमिनेशन क्या होता है, जब किसी भी प्लेनेटरी बॉडी का स्पेसक्राफ्ट के थ्रू, चाहे डेलिबरेट हो या अनइंटेंशनल हो, कंटेमिनेशन हो जाता है, उसको इंटरप्लेनेटरी कंटेमिनेशन कहते हैं। जैसे बहुत सारे मिशन गए हैं मार्स पे, हमें पता ही है चाइना का है, यूएई का है, तो इन सब में जैसे कि लैंडिंग इन्वॉल्व नहीं है लेकिन ऑर्बिटर मिशन है मार्शियंस एटमॉस्फेयर को पढ़ने के लिए, तो इस तरीके से उनको समझने के लिए, तो इस तरीके के जो मिशंस हैं इनसे कंटेमिनेशन होने के चांसेस ज्यादा है। यूएसए का परसिवरेंस मिशन था, राइट, तो इस तरीके से कंटेमिनेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कंटेमिनेशन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड कंटेमिनेशन, दूसरा होता है बैकवर्ड कंटेमिनेशन। फॉरवर्ड कंटेमिनेशन का क्या मतलब है, जब अर्थ बेस्ड माइक्रोब्स किसी और सेलेशियल बॉडी पे जाते हैं तो उसको फॉरवर्ड कंटेमिनेशन कहते हैं, क्योंकि लिक्विड वाटर ऑलरेडी डिस्कवर कर लिया गया है मार्स पे, तो चांस है कि मार्स पे लाइफ हो सकती है। तो ये हमारा ऑब्लिगेशन बनता है कि जो माइक्रोब्स हैं अर्थ के वो मार्स के एटमोस्फेयर को जाके खराब ना कर दे। क्लियर, अर्थ बेस्ड ऑर्गेनिजम्स जो जो मार्स है उसके इंटेग्रिटी को या उसके एटमॉस्फेयर को खराब कर सकते हैं, और ये भी कंटेमिनेशन का पार्ट है। बैक कंटेमिनेशन क्या होता है, जब कोई भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं, मान लो मार्स पे कोई ऑर्गेनिज्म है और वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाए, अर्थ के बायोस्फेयर में आ जाए, तो उसको हम कहते हैं बैक कंटेमिनेशन। वैसे तो साइंटिस्ट ने ये रूल आउट कर दिया है क्योंकि मार्स का सैंपल जो लेके आए हैं उस वो अर्थ के सैंपल से काफी डिफरेंट है, अर्थ से मार्स की बायोकेमिस्ट्री काफी डिफरेंट है, तो उन्होंने बोला बैक कंटेमिनेशन के चांसेस तो नहीं है, बट फॉरवर्ड कंटेमिनेशन के चांसेस है। अब प्लेनेटरी प्रोटेक्शन के लिए हम क्या किया है हमने, तो इसमें यूनाइटेड नेशन आउटर स्पेस ट्रीटी है 1967 की। ये क्या करता है, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसकी वजह से स्पेस में किसी जिसमें बेसिकली कंटेमिनेशन रिस्क को कवर किया जाता है। इसके अंदर 110 स्टेट पार्टीज है, जिसमें यूएसए, रशिया, चाइना और इंडिया भी इसका पार्ट है। ये इंश्योर करने के लिए कि सब इसकी बात माने, एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च, कॉस्पर, जो प्लेनेटरी प्रोटेक्शन पॉलिसी ले डाउन करती है, प्लेनेटरी प्रोटेक्शन पॉलिसी बताती है, जिसके अंदर जो भी नंबर ऑफ माइक्रोब्स हैं जो बाकी प्लेनेट पे हम भेज सकते हैं उसको लिमिट करने का काम है, और ये भी कि कोई भी एलियन लाइफ अर्थ पे आके कंटेमिनेशन ना फैलाए, किसी तरीके से डिस्ट्रक्शन ना करे, ये भी उसके अंदर कवर्ड है। इस पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट है, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी दोनों ने प्लेनेटरी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स उन्होंने अपॉइंट किए हुए हैं। और अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें कि हम क्या कर सकते हैं कंटेमिनेशन हटाने की, तो फॉरवर्ड कंटेमिनेशन के लिए स्पेस मिशंस को हम इंश्योर कर सकते हैं कि स्पेस क्राफ्ट प्रॉपरली स्टरलाइज्ड हो, ठीक है। जैसे कि जो पहला मिशन था, पिछले वाला मिशन था नासा का, नासा वाइकिंग लैंडर 1970s का, उसमें सारे इक्विपमेंट, सारे जो स्पेस क्राफ्ट थे उनको प्रॉपरली स्टरलाइज किया गया था इससे पहले कि वो स्पेस में जाते। नासा का परसिवरेंस मिशन उसको पोस्टपोन कर दिया था सेकेंड टाइम क्योंकि पोटेंशियल कंटेमिनेशन का इशू हो सकता था। अगर हम बैक कंटेमिनेशन की बात करते हैं तो उसमें स्टरलाइजेशन ऑप्शन नहीं आता। इस केस में क्या होगा, इस केस में हम कंटेनमेंट कर सकते हैं, मतलब जो स्पेसक्राफ्ट है उसको एक जगह पे रख दो, कंटेन कर दो, ताकि ये जो कांटेक्ट है बिटवीन पॉसिबल एलियन माइक्रोब्स एंड लाइफ ऑन अर्थ वो ब्रेक किया जा सके। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, प्रेजेंट टाइम में जहां पर हम देख रहे हैं कि सब स्पेस टेक्नोलॉजी में एक तरीके से एक दूसरे से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें बताओ इसके चक्कर में हम कहीं स्पेस को खराब ना कर दें, ठीक है, स्पेस के डोमेन को रूइन ना कर दे। तो इसीलिए स्पेस को सिर्फ पीसफुल पर्पजेस के लिए यूज किया जाएगा, उसका वेपनाइजेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का वायलेशन नहीं होना चाहिए आउटर स्पेस में, और जो नेचुरल बायोस्फेयर है अर्थ का और बाकी सारे प्लेनेटरी बॉडीज का उनके अंदर आप वो प्रिजर्व होने चाहिए, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू उनको प्रिजर्व करके रखना है। सो दिस इज द वे फॉरवर्ड, दिस इज हाउ वी शुड प्रोसीड, एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द लेक्चर। एंड इसके बाद एल सी, अगर थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स बचा होगा विल कवर दैट, अदरवाइज विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक।
If you haven't already subscribed to the channel, then do subscribe to the channel and hit the bell icon ताकि आपको regular updates मिलते रहें. Lesson को like और share करना बिल्कुल ना भूलें. And if you have any questions, drop them down in the comment section below, and I will sort them out. Thank you so much for joining in. Have a great day ahead.